Hi everyone, I welcome you all to An Academy and YouTube channel Let's Crack GATSE. So today we have with us Vats Shah. He has done his masters from IIT Gandhinagar and also placed from campus itself in Impact Guru Institute, or I can say that a company. He has pursued his masters in material science and engineering from IIT Gandhinagar. So again, I welcome you all to MTech IIT Counseling and Placement Stories by me. And this is one another stories which Vats is going to share with all of us. And the important thing to notice over here is that we are making these sessions to help students to choose the perfect institute or the best institute by the rank or the scorecard that we have. So today Vats had the score of 677, and with this score he went to IIT Gandhinagar, and after that he is also placed. So it is also a very good thing. Or Vats se start karte hain. Yes Vats, thoda batayenge apni counseling ke bare mein, because I think IIT Gandhinagar mein interview as well as written dono hi hota hai. So please student ko guide kariye ki kaisa. Haan, dono hi hota hai. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 2019 में एडमिशन हुआ है और मेरा गेट स्कोर 677 था, और मैंने उस 677 स्कोर पे आईआईटी गांधीनगर में मटेरियल साइंस एंड मैकेनिकल दोनों ब्रांच में अप्लाई किया था, और दोनों में रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू दोनों थे, और जिसमें मटेरियल साइंस में मेरा रिटर्न और इंटरव्यू दोनों क्रैक हो गया था, तो उसके बाद मुझे यहाँ एडमिशन मिला है. ओके वत्स, तो जो रिटन एग्जाम होता है आईआईटी गांधीनगर में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसका कट ऑफ वगैरह कैसा जाता है, अगर किसी को वहां पर अप्लाई करना है, सो हाउ दे कैन प्रिपेयर फॉर दैट रिटन इंटरव्यू? रिटन टेस्ट में सिंपली क्वेश्चन आते हैं जो हमारे गेट और इसरो एग्जाम में आते हैं, उसी लेवल के होंगे. बस खाली फोकस दो ही चीज पे होना चाहिए, ये सिंपल तो हो ही जाएंगे. बस खाली मैथ्स में ग्राफ्स और वो आएंगे, और सी लैंग्वेज के दो क्वेश्चन आएंगे, जो बाकी सब स्किप कर देंगे, जिनको आता होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे. तो वो जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो सी लैंग्वेज या फिर मैथ्स के ग्राफ ही करता है. ओके, सी लैंग्वेज वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, C++, जावा जैसी, वो जो बेसिक लेटर सी वाली जो होती थी. हाँ, उसके उसके बेसिक्स प्रोग्राम आते हैं. बेसिक, ओके, उसके बेसिक प्रोग्राम्स आते हैं, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स के ग्राफ देखने होते हैं. मैथमेटिक्स भी काफी काफी वेटेज आता है उसका भी. ओके, जो सो पेपर में जो आता है वो वही सिलेबस होता है जो मैकेनिकल का होता है, या अगर आप मैकेनिकल और मटेरियल साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आपने गेट अच्छे से प्रिपेयर किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी. कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, तो सिर्फ सी की लैंग्वेज है, थोड़ा से उसके प्रोग्राम जो कि हमने बीटेक बेसिक्स पढ़े होंगे, वो बेसिक्स पढ़ने होंगे, और उसके अलावा जो है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स का अपना देखना होगा. ओके बस, तो कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और कितने सेलेक्ट होते हैं फॉर इंटरव्यू? 8:1 रेशियो था रिटन टेस्ट के बाद, मतलब लगभग 150 या 200 लोगों को सिलेक्ट किया था, उसमें से फिर 40 या 50 लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया था, और फिर फाइनल 15-20 लोगों को करीब फाइनल सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट किया था. सो इट इज अ वेरी बिग, मतलब रेशियो काफी ज्यादा है, 200 लोग रिटर्न दे रहे हैं 50 में से, काफी ज्यादा रेशियो है ये, बट इट्स ऑल राइट. तो बस, मतलब जो सी लैंग्वेज है वो आप पढ़ के गए थे या बिना पढ़े ही आपका हो गया, आप क्या बोलेंगे इसमें? मतलब वो बेसिक प्रोग्राम है, तो जिसको बेसिक आता होगा वो कर लेगा, उतने मुश्किल प्रोग्राम नहीं थे. अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब कि आपने वो अटेम्प्ट किया था और किया भी था? हाँ हाँ हाँ. तो मतलब ये हुआ कि तो मतलब ये हुआ कि आईआईटी गांधीनगर में अगर एडमिशन लेना है तो थोड़ा सी लैंग्वेज देखना ही पड़ेगा, रिगार्डलेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आल्सो मैथमेटिक्स दैट. ओके बस, तो उसके बाद इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी गांधीनगर में? इंटरव्यू में बहुत तो बेसिक्स पूछे जाते हैं, अगर आपने मतलब गेट इसरो अच्छे से किया होगा तो वो आ जाएगा. बहुत सिंपल बेसिक, उतने कुछ हाईफाई नहीं, और सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कॉन्फिडेंस चेक कर, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं. एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो अभी मुझे याद नहीं है, पर बहुत सिंपल, जैसे गेट में हम बेसिक्स पढ़ते थे वही. ओके, सो द थिंग इज दैट कि टेक्निकल लेते हैं या एचआर लेते हैं? टेक्निकल.
टेक्निकल रहता है पूरा का पूरा इंटरव्यू, इनका पूरा का पूरा इंटरव्यू टेक्निकल ही रहता है और सिर्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं। कॉन्फिडेंस अगर है तो इसका मतलब बस वहां पर दो बार आपको जाना पड़ता है या तुरंत तुरंत रिटर्न निकाल करके तुरंत ही इंटरव्यू लेने लग जाते हैं वहां पर? एक ही दिन में होता है, एक ही दिन में। दैट मींस यू हैव टू गो टू आईआईटी गांधीनगर एंड देयर ओनली वहां पर इंटरव्यू होगा एज वेल एज रिटर्न भी होगा। ओके, सो वत्स आपको इस स्कोर में 677 जो स्कोर है आपका, उसमें आपको कौन से लेवल पे मिला था काउंसलिंग के? नंबर 1, 2, 3 काउंसलिंग का सेशंस होते हैं ना? अच्छा, मतलब आईआईटी गांधीनगर में सीओएपी वैलिड नहीं है तो मतलब उसका अलग प्रोसीजर है, तो वो कोई राउंड 1, 2, 3 ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। आईआईटी गांधीनगर आईआईटी गांधीनगर सीओएपी में नहीं है। ओके ओके ओके, सो व्हाट्स कट ऑफ क्या था जो कॉल किया इन्होंने इंटरव्यू के लिए? अराउंड इंटरव्यू या रिटर्न के लिए, आप मान लीजिए रिटर्न के लिए कितने कट ऑफ तक कॉल किया इन्होंने? अराउंड 55 मार्क्स, 55 मार्क्स तक इन्होंने कॉल किया था आईआईटी गांधीनगर ने। 55 मार्क्स का मतलब है लगभग 600 से भी नीचे कट ऑफ, मतलब स्कोर चला जाएगा। 55 मार्क्स का मतलब लगभग 600 से भी नीचे स्कोर जाएगा। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर लोगों किसी को भी आईआईटी चाहिए तो अगर 600 स्कोर भी है तो आईआईटी गांधीनगर में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ बीटेक प्रोजेक्ट अच्छा होगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट होगी तो उनको भी कॉल आएगा। अच्छा, तो मतलब फॉर्म भरने जैसे जैसे किसी ने बीटेक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया है पर उसका गेट स्कोर कम है तो उसको भी कॉल आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ओके, तो मतलब सिर्फ गेट पे नहीं डिपेंड कर रहा है, बाकी चीजों पे भी डिपेंड कर रहा है आईआईटी गांधीनगर। जैसे तो किसी के सीपीआई भी शायद बहुत 9 या 9.5 है तो उसको भी कॉल आ सकता है भले उसके गेट स्कोर कम हो। ये बहुत अच्छी बात है, सो दैट अपॉर्चुनिटी बनी रहती है सारे स्टूडेंट्स की कि वो अप्रोच कर सकते हैं आईआईटीज में एडमिशन के लिए। सो बस आपका 2 साल इन आईआईटी कैसा रहा, आईआईटी गांधीनगर में आपका एक्सपीरियंस और टाइम कैसा रहा विद प्रोफेसर्स एंड आल्सो प्लेसमेंट सेशंस, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट पहले आपका लाइफ इन आईआईटी गांधीनगर क्या सीखने को मिला एंड व्हाट यू वर एट दैट टाइम और अभी आपके क्या चेंजेस हैं? यहाँ मतलब मैं तो यहाँ लोकल कॉलेज से आया हूँ, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोकल कॉलेज से आईआईटी में आते हैं तो मतलब मुझे यहाँ बेसिक कंसेप्ट से सीखना मिला। मुझे उतना उस टाइम बीटेक लेवल पे भी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी जितनी यहाँ मिल रही है। यहाँ फ्रीडम है, यहाँ हम कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, किसी का भी नॉलेज ले सकते हैं और यहाँ प्रोफेसर भी बहुत हेल्पफुल है। मतलब आपको वो मना नहीं करेंगे कोई काम के लिए। ओके, सो वंस अभी प्लेसमेंट में आ जाते हैं आपका, क्योंकि प्लेसमेंट हुआ है आई थिंक आईआईटी गांधीनगर से और इम्पैक्ट गुरु और अच्छा खासा पैकेज भी है आपका, तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीजें आपने की या जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं आईआईटी गांधीनगर में उनको क्या ऐसा करना चाहिए सो दैट प्लेसमेंट के लिए वो श्योर हो जाए कि हाँ भाई वो अगर 2 साल देंगे अपना तो प्लेसमेंट होने की चांसेस हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको टेक्निकल में जाना है आगे, कोर सेक्टर में, नॉन कोर में जाना है या दोनों में जाना है। जनरली जो दोनों में सवार करते हैं, जो दो नाव में, उसको बहुत डबल मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो फिर गेट और एमटेक हो, कुछ भी हो। तो अगर मतलब आपको जैसे जाना है उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे पर्सनल इंटरव्यू हो गया तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस या कहीं पे प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो वो सब काफी सब मैटर करता है इंटरव्यू में। जी वो तो है, लेकिन अभी जैसे इम्पैक्ट गुरु में आपका प्लेसमेंट हुआ तो ऐसा क्या था मतलब आप में कि आपका सिलेक्शन हुआ वहां पर आपको? अच्छा ओके, तो मतलब सबका इंटरव्यू हुआ था तो मैनेजमेंट स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स वो सबके हिसाब से वो लोग जज कर रहे थे। तो मे बी वोकेबुलरी या कुछ ऐसा खास उनको लगा होगा जिस हिसाब से उन्होंने सिलेक्ट किया है। ओके, तो ये नॉन टेक्निकल वाला ही है आपका ये जो प्लेसमेंट? हाँ, है नॉन कोर जॉब है, नॉन कोर जॉब है। ओके ओके, और कोर की क्या पॉसिबिलिटीज है आईआईटी गांधीनगर में? बस कोर भी आती है, कोर में भी सिलेक्शन होता ही है, मेरे बैचमेट्स का हो रहा है अभी, अभी प्रोसेस चल रही है, खत्म नहीं हुआ है।
हाँ अभी एक प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। और कोरोना में प्लेसमेंट में क्या इफेक्ट आया, क्योंकि सभी लोग तो घर पे ही थे, सो सारे प्रोसेस ऑनलाइन ही हुए होंगे और सब कुछ ऑनलाइन, हाँ, जो आप लोगों का हाँ, रिटर्न और इंटरव्यू सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ होगा। हाँ, हाँ सब कुछ इस बार ऑनलाइन ही है, बाकी इंटरव्यू सब ऑफलाइन हो रहा था। तो मतलब काफी कंपनीज, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है जो पहले आती थी या अभी नहीं आती, वो सब तो होता रहता है, वो सब जगह होगा। ओके बस, और पीएचडी के क्या चांसेस हैं इसके बाद? पीएचडी के भी काफी चांसेस है, काफी मेरे सीनियर्स मोस्टली लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, कई लोग आईआईटी कानपुर या बॉम्बे से कर रहे हैं, कई लोग बाहर से कर रहे हैं। तो मतलब इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड दोनों में काफी अच्छे चांसेस है पीएचडी के लिए। ओके बस, एक सवाल मुझे और भी पूछना है आपसे, जैसे कि क्या होता है कि अगर आपका स्कोर कम होता है तो समटाइम्स स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है गेट में, तो वो अगर कुछ भी स्कोर लेकर के आए हैं तो उन्हें लगता है कि मैं एक बार और प्रिपेयर कर लूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आईआईटी गांधीनगर और एनी अदर आईआईटीज। बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं एक बार और प्रिपेयर कर लूंगा हाँ तो अच्छा होगा। तो मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपसे जाननी है, क्योंकि सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम मिलेगा अंदर फिर से प्रिपरेशन करने का। अगर वो 650 स्कोर में पहुंच जाते हैं आईआईटी गांधीनगर, उनको कितना टाइम मिलेगा? कि क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो आई थिंक वो अगस्त तक का टाइम होता है, और गेट तो फिर तुरंत 6-7 महीने बाद आपका फेब्रुअरी में होता है। तो एक बार उसको और अटेम्प्ट करना कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट सेमेस्टर में टाइम मिले तभी कोई ऐसा कर सकता है। तो कितना टाइम मिलता है बस वहां पर? टू बी ऑनेस्ट, इसका आंसर बताओ तो टाइम नहीं मिलेगा, आप गांधीनगर में नहीं मिलेगा? टाइम नहीं मिलेगा, टाइम निकालना पड़ेगा अगर देना होगा तो। पर अच्छा ये अच्छा गेट गेट और ईएसई ऐसा एग्जाम है ना कि वो कभी कोई भी स्टूडेंट उसके मार्क्स से वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो ऐसे एग्जाम है दोनों। तो अगर आपको आईआईटी गांधीनगर मिल गया तो आगे बढ़ो और आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देखो, बाकी आप गेट गेट देते ही रह जाओगे। गेट से कभी कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं होता गेट के मार्क्स से। कोई बंदा गेट के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होता, वैसे ये बात आए तो वो सच है। बट हाँ 80 है हाँ तो 82 नहीं आए ऐसा सोचेगा फिर। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आईआईटी गांधी आ गए तो अपनी अपॉर्चुनिटीज देखिए और इस ट्रैप में नहीं हाँ फंसे, क्योंकि लोग पंचवर्षीय योजना में भी आते हैं, दिए जा रहे हैं गेट, हाँ दिए जा रहे हैं और उसका कोई एंड नहीं है। तो 3 साल बाद भी फिर वो हाँ ऑप्ट करते हैं मास्टर्स के लिए, एक डिग्री बन जाती है और उसके बाद आगे बहुत सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। कई बार ऐसा भी हाँ देखने को मिलता है कि लोग बोलते हैं कि मास्टर्स के बाद फिर से वही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो 2 साल मास्टर्स में क्यों देना, ऐसा भी कई बार तो इंटेंशन होता अगर है, सीन अगर नहीं होता। मास्टर्स अच्छे से किया होगा तो फिर वो ऐसा ऐसे सोचने का वो नहीं आएगा। अगर मास्टर्स अच्छे से किया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास व्लास करते नहीं हैं और प्रोफेसर से ज्यादा मेल जोल नहीं करते हैं वहां जाकर के, और अपना कंजर्व रह करके फिर से प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं। अब वो हाँ रैंक भी क्या होती है गेट में, 700 स्कोर था, 700-720 हो जाएगा, और यहाँ पर एमटेक का भी अपना हाँ खराब कर लिया उन्होंने, तो ये चीज होती है ना, इधर रहे हाँ ना इधर, फिर कहेंगे कि एमटेक में प्लेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन व्हाट्स योर एन एग्जाम्पल कि अगर कोई भी आईआईटी में जा रहा है और मेहनत किया है तो प्लेसमेंट जरूर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप खाली बैठो, एंड एटलीस्ट यू विल हैव सम हाँ टैग विद यू जब आप निकल रहे हो बाहर। हाँ ये प्लेसमेंट, एक पीएचडी या फिर कई और काफी चांसेस ओपन हो जाते हैं, बस खाली आप बस वही फिर यहाँ आके भी गेट ही देना है तो फिर क्या फायदा। आपका बेस्ट अटेम्प्ट वही होगा जो आपने मतलब एक साल दिया होगा जो घर पे बैठ के, या फिर बेस्ट अटेम्प्ट वही होगा। लेकिन फिर भी कई बार लोग कर भी लेते हैं, लेकिन वो पूरे फुल चांसेस हैं कि आप किस तरीके से उसको कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि आईआईटी में जाने हाँ के बाद फिर से मैं वही प्रिपरेशन करूंगा, तो फिर वो वही है कि आप रिस्क ले रहे हो अपने मास्टर्स का। फिर कोई हक नहीं बनता है ये बोलने का कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आपने मास्टर्स में उतना इनपुट दिया हाँ ही नहीं जो देना चाहिए था। एक्चुअली में ये हाँ मोस्टली सही स्टूडेंट्स के बात, साथ होता है, और फिर प्लेसमेंट नहीं होता है तो फिर दे आर ऑल लाइक कि हाँ प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और एक्चुअली में आईआईटी का नाम, मैं अगर सही स्टेटमेंट में बोलूं तो इट इज कि अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद भी जाकर के अगर गेट की तैयारी कर रहे हो, ईएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप आईआईटी का नाम खराब कर रहे हो। आईआईटी आपका नाम नहीं खराब कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आए हो, आपका प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, बट एक्चुअल सेंस में आप खराब कर रहे हो कि आप इनपुट नहीं दे रहे हो, और प्रोफेसर आपको निकाल तो सकता नहीं, हाँ एडमिशन ले लिया एक बार। और मुझे ऐसा हाँ लगता है मतलब 50% लोगों की यही कहानी है। इनपुट देना बहुत जरूरी है कहीं पर भी हो, मतलब और अभी बस एक बात ये भी है, वेरियस आईआईटीज में अब मैं डेली टॉक कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये भी जाना है कि
कोर से ज्यादा नॉन कोर का डिमांड चल रहा है इस वक्त, ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये सच्चाई है। इसे हर स्टूडेंट जो भी मास्टर्स के लिए जा रहा है, बहुत ही फ्रेंकली, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर किसी की पब्लिसिटी कर रहे हैं या हमें किसी चीज को नीचा दिखाना है, बट द थिंग इज दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि कोर से ज्यादा नॉन कोर की रिक्वायरमेंट है इस वक्त, और हमें डिमांड और सप्लाई की जो चेन है उसको फुलफिल करना चाहिए। ऐसा दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि भाई मैं तो कोर में ही जाऊंगा, मेरे को तो बस अब वो मैकेनिकल की ही जॉब चाहिए है। अगर थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, और नॉन कोर में आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होगा, बट लोग जो बहुत ही रिजिड हो जाते हैं शायद उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है कि हाँ कोर में नहीं हुआ। द सेम थिंग इज इन IIT दिल्ली आल्सो, आई हैव सीन द सेम सिनेरियो कि जो लोग कोर के लिए बिल्कुल हट गए हैं, बैठ गए कि नहीं रिजिड हो गए मेरे को चाहिए चाहिए, उनके साथ शायद कुछ हो सकता है अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, क्योंकि डिमांड जो है भाई उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है। एकदम सही बात है, फिर आपको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा नई नई चीजें। हाँ तो आई वांटेड टू नो दैट इज द सेम सिनेरियो इन IIT गांधीनगर आल्सो। हाँ मैम, हाँ सेम सिनेरियो, नॉन कोर में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ज्यादा मौके मिलेंगे आपको, तो एक दो एक तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। अब कोर में चांसेस ही कम मिलते हैं, फिर कन्वर्ट नहीं हुआ तो ऐसा लगेगा नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर मतलब यही है कि जो जो मौके आते हैं उसको 100% दो, कोर हो नॉन कोर हो, और नॉन कोर में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है ही, क्योंकि अब कोर मैकेनिकल मटेरियल्स में कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, पर कम है, उसके लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। सो गाइस, अगर आप अपना और भी अटेम्प्ट नहीं देना चाहते हैं गेट में, तो 600-677 में बस ने लिया है एडमिशन और प्लेस भी हुए हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, अ गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो अंदर जाकर के आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, मास्टर्स में प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, PhD कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड एक रिफाइंड प्रोडक्ट बन करके आप बाहर आ सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग प्राइवेट कॉलेजेस से होते हैं, उनके पास उतना रिफाइनमेंट नहीं होता है, बट एटलीस्ट IIT में 2 साल देने के बाद आप एक रिफाइंड प्रोडक्ट होते हो, आप एक वेल मैनर्ड, और आप ये भी कह सकते हो कि एक अच्छा वर्जन होते हो अपने आप का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। बस इन दी एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स को कुछ भी कहना चाहते हो विद रेस्पेक्ट टू कि आसानी हो एडमिशन लेने में IIT गांधीनगर में। अरे IIT गांधीनगर में अप्लाई करना चाहिए, ऐसा मत सोचना कहीं पर भी जगह, IIT गांधीनगर नहीं कहीं पर भी जगह, ऐसा मत सोचना कि मेरा तो 630 स्कोर है या 640 है तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आप जस्ट खाली अप्लाई करो, कॉल आ जाएगा, कॉल कन्वर्ट भी हो जाएगा अगर फिर से मेहनत किया तो। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है यहाँ भी। बस फीस के बारे में भी मेरे को जानना है, वो मैं बीच में पॉइंट खा गया। IIT गांधीनगर में टोटल मतलब एक सेमेस्टर का जब आपने एडमिशन लिया था कितना फीस लगा था? अराउंड 50K, 50 का खर्चा आया था टोटल। हाँ टोटल सब मिलाकर। और फिर उसके बाद अगले सेमेस्टर से 45-50, मतलब पर सेमेस्टर 50K अप्रोक्स। खाना वाना सब कुछ, खाना रहना सब कुछ, खाना रहना मैस लॉन्ड्री सब कुछ। ओके और उसके बाद बस कोरोना काल में क्या स्टाइपेंड बंद हुई थी या स्टाइपेंड आ रही थी? रेगुलर थी राइट, क्योंकि मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं स्टाइपेंड नहीं। मैंने और भी IITs में जानने की कोशिश की, किसी भी IIT में एटलीस्ट स्टाइपेंड बंद नहीं हुई थी कोरोना काल में भी। तो ओवरऑल जितना स्टाइपेंड आ रहा है उससे थोड़ा कम ही जाता है, कुछ आप बचा लोगे मुझे लगता है 30-40 हजार रुपए, 30-40 हजार रुपए बच जाते हैं टोटल में, उससे आपका खर्चा निकल जाता है, एटलीस्ट घर से पैसे नहीं लेने पड़ते हैं, और फिर प्लेसमेंट हो जाए तो और क्या ही कहना है, बहुत अच्छी बात है। चलो बस स्टाइपेंड रेगुलर ही आती है, वो सब पता नहीं कहां। नहीं एक्चुअली मुझे लगता है शायद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में बंद हुई हो, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही मतलब ऐसी है कि कुछ स्टूडेंट्स के कई और वेरियस रीजंस की वजह से भी स्टाइपेंड रुकती है। फॉर एग्जांपल पॉइंटर का कम हो जाना, IIT दिल्ली में है 7 पॉइंटर से कम होगा स्टाइपेंड रुक जाएगी आपकी, तो कई रीजंस होते हैं। यहाँ भी है ऐसा, पॉइंटर क्राइटेरिया तो हर एक जगह होगा, हर जगह होगा, लेकिन कहने के लिए जिनका पॉइंटर है मतलब जिन्होंने क्राइटेरिया को कम्प्लीट किया है किसी भी IIT में स्टाइपेंड नहीं रुकी थी और आगे भी नहीं रुकेगी, स्टाइपेंड जरूर आएगी। आप मास्टर्स में जाओ PhD में जाओ स्टाइपेंड जरूर मिलेगी। ओके बस कुछ और भी बोलना है आपको?
नहीं नहीं बस दैट्स इट। ओके, दिस वाज रियली नाइस यू केम, सो दैट थोड़ा सा इजी आउट हो जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच वंस फॉर ज्वाइनिंग दिस, एंड दिस इज ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैम।